अ उसके बारे में बता दूं अगेन मैं ओपन बोर्ड ओपन करता हूं और जो आज मैंने लिखा था सुबह मैं वो और अभी का कंटेंट दोनों पीडीएफ बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा डोंट वरी अबाउट इट तो अलग-अलग पीडीएफ -अलग बन जाएंगे या मैं उसी के अंदर ही मैं एडिट कर लेता हूं उसी के अंदर मैं न्यू ऐड uh, कर लूंगा ओके okay, सो so मैं इसको पेजेस कर देता हूं राइट right. अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं राइट right. अब हो गई मेरे स्क्रीन शेयर आप लोगों स्क्रीन दिख रही है बच्चों सबको ओके गुड ओ क्या हो गया भाई हम्म hmm. राइट अब हुई बात ओके सो अब हम बात करेंगे इंसर्शन शॉर्ट के बारे में राइट पेज नंबर थ्री हम बात कर रहे हैं अब इंसर्शन सॉर्ट के अंदर की जो मेन बात करने जा रहे हैं पहली बात बबल शॉर्ट एल्गोरिथम की तरह ही इंसर्शन शॉर्ट जो एलगौरथम है वो हमारी straightforward implementer so like bubble sort this insertion sort algo is also straightforward To understand and implement. Right? ऐसा क्यों कहा जाता है तो ये फॉरवर्ड है तो और काफी सिंपल है अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको लेकिन बबल शॉर्ट से ये भिन्न भी है भिन्न कैसे है ऐसे अलग कैसे है बट अनलाइक ऐसे कर देता हूं But unlike bubble sort, unlike bubble sort, it builds hai, kya? the sorted list, right? It builds a sorted list, one element. एट ए टाइम एक एक करके एक एक एलिमेंट की लिस्ट बनाएगा बाय कंपेयरिंग ईच आइटम ठीक है विद दफ द लिस्ट हर एक को कंपेयर करता जाएगा आइटम जिससे हमको शॉर्ट कराने के लिए हर एक से कंपेयर करता जाएगा बाकी पूरे लिस्ट से कंपेयर होता जाएगा ठीक है और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं और उसको बाद में इंसर्ट कर देते हैं इंसर्टिंग इट इन टू इट्स करेक्ट करेक्ट पोजिशन ओके बबल सॉर्ट में क्या हो रहा था जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो बबल अप हो जाएगा और उसको उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया जाएगा यहां पे क्या हो रहा है एक हर एलिमेंट को हर एक से कंपेयर कराया जा रहा है एक एक करके राइट right? पूरी लिस्ट को ट्रेवल्स किया जा रहा है और जो एलिमेंट अपनी सही जगह पे नहीं है उसको उस जगह इंसर्ट किया जा रहा है तो दिस इज इंसर्शन शॉर्ट इंसर्ट करने के माध्यम से अगर हम शॉर्टिंग कर रहे हैं तो इंसर्शन शॉर्ट कहलाएगा ठीक है इसलिए इंसर्शन नाम से इसका ऐसा नाम पड़ा है इसका बेसिक एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर अगर जैसे ताश ताश होती है है डेक ऑफ ऑफ कार्ड्स कार्ड्स ठीक के पत्ते होते हैं ओके तो ग्रुप आप को आपको शॉर्ट करना तो एक एक करके उठा के इस जगह रखोगे उस जगह रखोगे क्या कर रहे हो आप इंसर्ट करते जा रहे हो राइट इन ऑर्डर टू स्टॉर्ट द डेक ऑफ कार्ड्स ठीक है उसी तरीके से आपका एक एक कार्ड से कंपेयर करते जाते हो तो अब सीधा चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और मैं आइडियली भी ओपन करके रख देता हूं उसी प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ जो हमने प्रोग्राम अभी सुबह किया था उसी को मैं आ, दूसरे नाम से भी सेव कर लूंगा तो हमने जो सुबह ओपन किया था मैं उसी को रिसेंट फाइल्स के थ्रू ओपन कर लेता हूँ बबल शॉर्टिंग डॉट पाया था ये फाइल थी राइट इसको मैं अब सेव एज करने जा रहा हूं सेम जगह पे सेव करूंगा इसको मैं अब मैं कर रहा हूं इसको इंसर्शन शॉर्ट और अब जो एल्गोरिथम मनाई जाएगी वो इस, इस बबल शॉर्ट की जगह रिप्लेस हो जाएगा और अंदर भी यहाँ पर जो हम पास कराएंगे वो बबल शॉर्ट ना करके इंसर्शन शॉर्ट पास कराएंगे राइट मैंने इसको भी सिर्फ नाम चेंज किया अभी कुछ नहीं किया इसको मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ और मैं सीधा प्रोग्राम पे ले चलता हूं शॉर्ट हो गया अब यहाँ पर मैं अगेन टेक्स्ट ऐड कर रहा हूं और इस टेक्स्ट में मैं यहाँ पर दो स्टार है मतलब तो दो हैश टेक्स्ट में करेंगे, प्रोग्रामिंग नहीं टेक्स्ट में, टेक्स्ट के है राइट तो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूं लिख रहा हूं राइट और इसको मैं अभी हटा देता हूँ राइट अब यहाँ पर हम इंस के इस को देखते हैं कैसे कर रहे हैं बल डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया अगेन मैंने यहाँ पर इंसर्शन लगा दिए आपका ए आर आर पास कर दिया सेम वही तरीका ज्यादा कुछ नहीं करना आपको उनको सीधा उसके बाद फॉर फॉर लूप चलाया हमने आई इन रेंज अब रेंज देखे कहां से कहां तक है अब ये चल रहा है वन से अब ये जीरो से नहीं चल रहा वन से चल रहा है राइट लेंथ ऑफ एर तक पहले एलिमेंट को हमने छोड़ दिया जीरो से ना चल के वन से चल रहा है इसको भी हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है फिर हमें में क्या लेना है कि भाई किस आइटम को उठाया जाएगा जिससे सबसे कंपेयर किया जाएगा उसको नाम दिया गया की आइटम आपको भी नाम दे दो मैंने यहाँ पर की आइटम दे रखा है अंडरस्कोर देकर उसको मैंने कहा कि जिस भी पोजीशन पे होगा जिस लोकेशन पे होगा लिस्ट की उस लोकेशन पे जो नंबर प्रेजेंट है उसको की आइटम माने उसको के आइटम मान लिया गया राइट हमने इसको कहते दिया कि आप इसके तरह साथ चलिए उसके बाद मैंने कहा कि भाई साहब अब आप क्या करेंगे अब आप करेंगे सिंपल j इक्वल टू i 1 अब मैंने सोचा कि आप अब आप क्या करिएगा कि भाई अब जहां पे i रखा है जिसको i मैंने माना है उससे i 1 पे j रखिए उससे पिछली वाली पोजीशन राइट और उसके बाद हम एक व्हाइल लूप चला रहे हैं यह कहा जा रहा है कि जब तक जे मेरा ग्रेटर देन जीरो है ग्रेटर टू जीरो है ओके okay, और मतलब और इंग्लिश हिंदी का और मतलब यहां पर मैं एंड लगा रहा हूं राइट right? एंड लगा रहा हूं और मैं कह रहा हूं ए आर आर जे उस पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो कहा गया यसरा yes, उस पोजिशन जो एलिमेंट है वो क्या वो की आइटम से बड़ा है या पे देख रहा हूं मैं मैंने क्या किया आई पे आइटम माना उसके पिछले से स्टार्ट किया उसके पिछले पे रखा आई माइनस वन ऐसे पीछे कर दिया मैंने राइट अब मैंने कहा कि भाई जे मेरा गेटन जीरो होना चाहिए हाँ बिल्कुल मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूं पहली बात अब उस जगह पे ए जे के पे आई अलग है की आइटम वो कंपेयर जे से कंपेयर होगा आई माइनस वन से कंपेरिजन होगा क्या जे वाला जे वाला आइटम आई, आई वाले से बड़ा है कि छोटा है मैं इसको अलग से बताता हूं देखिए ये रेड पेन है और ये ब्लू पेन है रेड पेन को मैं कह रहा हूं आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा मेरे को मेरे मेरा जो लेफ्ट साइड है वो ये है आपके लिए हो सकता है कि आपको अलग हो तो मैं अपनी लेफ्ट साइड पर रख रहा हूं लेफ्ट हैंड में इसको रख रहा हूं मैं रेड को राइट right हैंड में रख रहा हूं मैं ब्लू को ठीक है और राइट right हैंड को मैं मान रहा हूं आई और लेफ्ट हैंड को मान रहा हूं आई माइनस वन मतलब जे तो ये देखा जाएगा ए आर आर जे उस पोजिशन पे जो एलिमेंट है ये एलिमेंट क्या ये रेड पेन मेरे ब्लू वाले एलिमेंट ब्लू पेन के जगह से पे जो एलिमेंट है उससे बड़ा है कि नहीं बड़ा अगर ये बड़ा है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ये पोजिशन तो ये लूप चले राइट तो ये वायलू चलेगा अब क्या कराएंगे हम इसके अंदर अब क्या कराएंगे हम ठीक है दिस तो क्या करना है जे वाली पोजीशन को जे प्लस वन पुट कर दो क्या कर दो जे वाली जे प्लस वन जे वाली पोजीशन जो हमारी है जे को जे प्लस वन पे इंसर्ट कर दो हम कॉपी करें इंसर्ट करना क्या होता है कॉपी करना हो रहा है कॉपी करके लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाएगा लेंथ इंक्रीज हो जाएगी यहां हमारा एक जे माइनस आई माइनस वन से नीचे जा रहा है तो अब वो कम होता जाएगा ऐसे हो रहा है देखो आइटम की आइटम पकड़ लिया सॉरी तो ऐसे की आइटम पकड़ लिया ये जे हो गया अगर ये इससे बड़ा है तो ऐसे कर दो फिर आगे बढ़ा फिर चेक किया ये बड़ा है इससे

J plus one equal to A R J. J की वैल्यू को J plus one पे आगे आगे पुट करते जाओ. अगर बड़ी वैल्यू है तो भाई तो पीछे जा. अगली वैल्यू पे जा. पीछे जा. तो भाई यहाँ तो बड़ा है हाँ पीछे जा. तो यहाँ पे ऐसे से चलता जा रहा है. हाँ भी तो बड़ा है हाँ जी मैं बड़ा हूँ हाँ भी पीछे जा तू. समझे? और ऐसे करते करते हम J हम आते जा रहे हैं माइनस इक्वल टू वन पे मतलब तो और जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि कहा जा, जा रहा है कहां जा रहा है वन से लेकर लेंथ तक जा रहा है आई इधर रहा है आई इधर रहा है जे इधर रहा है जैसे आई और जे मेरे यहाँ पर है राइट ये जीरो है और ये एन माइनस वन है आपका ठीक है लेंथ ऑफ ए आर आर की लिस्ट की लेंथ जो है तो so I इधर बर्ड है J इधर ऐसे I इधर बर्ड है J इधर है समझ रहे हो I इधर इतना है J इधर I इतना है J J J J इधर इधर I I I इतना है है दिख रहा बच्चे आई होप शायद दिख रहा दिख पा रहा होगा आपको सामने कैमरे के अंदर जो मैं करके बता रहा हूं दिख पा रहा है या मैं बैकग्राउंड हटाऊं बैकग्राउंड बीच पे धोनी आ रहा बच्चों सर दिख रहा है दिख रहा है ना तो i जे पीछे ये i ये जे पीछे ये i समझ रहे हो बात को तो ये पीछे देखते पीछे देखता हुआ जा रहा है राइट ये आगे बढ़ रहा है पीछे देखता हुआ जा रहा है हाँ भी कोई बड़ा आइटम मिला तो उसको रिप्लेस करते जाओ इंसर्ट करते जाओ पीछे की तरफ तो ये क्या तरीका हो गया इंसर्शन शॉर्ट क्या कहलाया काम खत्म हो गया ही काम करेगा कुछ नहीं करेगा अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और बाहर आके हमने कहा कि उस लिस्ट का जो j प्लस वन आइटम है वो मेरा क्या हो जाए की आइटम के की आइटम मेरा उस j प्लस वन में बिठा दो तो, जिसको मैं सर्च करवा रहा था अगर वो बड़ा है तो भाई उस जगह पे इसको वहां पे इंसर्ट कर दो जिस लोकेशन पे मैं चेक कर रहा हूँ वो वहां पे कर दो अगर ऐसा हो जाता अगर ऐसा है तो ठीक है ये करा दिया उसकी करेक्ट लोकेशन पे उसको बिठा दिया कि भाई तेरा पता लगे तू कहा बैठेगा तू पीछे जाके बैठ तेरी जगह वही है आगे मत आ क्योंकि तू सबसे बड़ा नंबर है तो यहाँ पे बड़ा नंबर हम देख रहे हैं लिखित हम पेयर करके देख रहे हैं हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिविजुअली कंपेयर कर रहे हैं हर एक से कंपेयर करा रहे हैं यहाँ पे हमारा बबल अप नहीं हो रहा यहाँ पे क्या हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है उठा के उसको उस जगह इंसर्ट किया जा रहा है उसके करेक्ट जगह पे करेक्ट उसका जो सीट मिली हुई है उसको उस जगह बिठाया जा रहा है उसको इंसर्ट किया जा रहा है तो इस एल्गोरिथम को क्या कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट और लास्ट में हमारा काम बस सीधा सा गया बाहर आते हमारा आ गया रिटर्न बस काम खत्म हमें बस इतना ही करना है राइट अब मैं इस एल्गोरिथम को मैं इसको मैं फंक्शन को रन कर दिया फंक्शन रन हो चुका है अब मैं आपको यहाँ पर एक वो देता हूं कि एग्जाम्पल देते अगेन सिमिलरली मैं ही करता हूं प्रिंट क्योंकि रिटर्न कर रहा है ये मैंने कहा कि इंसर्शन शॉर्ट को लिख कर आऊ और अंदर मैं लिस्ट दे रहा हूं एक सेम लिस्ट दे रहा हूं एट टू सिक्स फोर और फाइव सेम लिस्ट दी जैसे ऊपर दी थी मैंने बबल शॉर्ट के लिए सेम लिस्ट दी है कोई फर्क नहीं किया रन कर दिया टड़ा आंसर आ गया अब हमें देखना है कि अब ये तो मेरे कितने एलिमेंट्स है पांच एलिमेंट्स हैं। अब ये अगर इसमें मैं शून्य से हजार जीरो से थाउजेंड के रैंडम नंबर्स, हर रैंडम नंबर की जो रेंज है वो शून्य से हजार के बीच में होगी और ऐसे रैंडम नंबर्स कितने है? दस हजार तो उसमें कहा बैठेगा ये तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कॉपी कर लिया इसको और यहाँ ओपन कर लेते आइडियली पे यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते चेंज कर देते क्योंकि मैंने इसको इंसर्शन सॉर्टिंग के नाम से कर दिया और यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट का यहाँ पर हम नाम कर देते नामकरण कर देते यहाँ पर हम राइट सेम चीज है एग्जैक्टली exactly सेम है बस मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया जिस फंक्शन को सॉर्टिंग एल्गोरिथम के तरह ले रहा है उस एल्गो को करेगा शून्य से हजार तक के हर एक नंबर नंबर्स रहेंगे ताकि कंपैरिजन में भी थोड़ी दिक्कत हो और उतने कितने नंबर है टोटल दस हजार नंबर है राइट तो एक नंबर को नौ हजार हाँ नौ हजार नौ सौ निन्यानवे से कंपेयर करेगा एक नंबर के कितने कंपैरिजन होंगे नौ हजार नौ सौ निन्यानवे कंपेरिजन होंगे उसके बाद पता लगेगा कि वो किस जगह बैठेगा जाके एवरेज रहेगा तो एक एक कम होता जाएगा राइट ट्रिपल ना, डबल नाइन डबल नाइन ना, फिर ट्रिपल ना, नाइन ना, ना, एट फिर ऐसे करते करते कम होता जाएगा तो हम देखते हैं कि मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अब कितनी आती है राइट तो ये मैंने पर चला दिया इसको सेव कर दिया आगे मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूं उस जगह पे जाता हूं जहा पे मेरा प्रोग्राम है तो मुझे बस सीधा ये करना है सी डी डेस्कटॉप के अंदर जाना है अब डेस्कटॉप के अंदर गए तो मैंने कहा कि भाई मुझे जाना है कोड वाले में और इसके बाद वीएस कोड वाले में मुझे जाना है पाइथन वाले में जाना है राइट चला गया सीधा मैंने ऐसे करके नेविगेट कर गया और सीधा मैं क्या किया मैंने बस एक जो जगह मुझे जाना है उसका नाम रखा उसका एक लेटर डाला और मैंने टैब की प्रेस की जिससे वो पूरा फुल फुल हो गया राइट ओके और अब यहां पर पहुंचने के बाद अब मुझे इसको इंसर्ट उसको चलाना है तो पाइथन सिंपल कमांड ली इंसर्शन सॉर्टिंग डॉट पाय नाउ लेट्स वेट के वो अब कितना समय लेता है लेट्स वेट फॉर इट वेट करते हैं अभी हम देखते हैं कब तक आता है और सेम यहाँ पर एक और काम करता हूँ यहीं पर मान रखता हूं ये चीज और इसके बाद हम इसी को मैं यहीं पर एक सेम सेल के अंदर दे देता हूं मैं यहाँ पे मैंने नामकरण कर दिया इंसर्शन शॉर्ट ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड अब इसको एक्जीक्यूट कर देते हैं लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये लेट्स वेट फॉर इट हो सकता है ज्यादा वक्त ले या कम वक्त ले देखना पड़ेगा कितना लेगा ये अराउंड ये थोड़ा शायद 10 20 सेकंड का शायद फर्क रहेगा क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट से थोड़ी सी ही फास्ट है ऑलराइट oh, आंसर right. आ गया ऑलमोस्ट अभी इसको भी हम देख लेते हैं ये भी पीछे चल ही रहा है देखो कितना है आंसर 40 सेकंड्स करीब करीब 40 सेकंड्स का टाइम लिया ये और हमारे बबल सॉर्ट कितने ली थी मेरे सिस्टम पे 75 सेकंड्स है ना तो मिनिमम टाइम उसने पिछहत्तर सेकंड का लिया इसने कितना मिनिमम टाइम लिया चालीस सेकंड का बैकग्राउंड में तो चल ही रहा है वो तो अभी लेट्स वेट फॉर इट उसने 105 लिया था हो सकता है इसको 80 सेकंड लगे लेट्स सी अब मैं इतना हिस्सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूं राइट इतना सा स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं आप लोग के ग्रुप में इसको पोस्ट भी कर देता हूं राइट अभी हाथों हाथ है वेरी गुड बहुत शॉर्ट का तुमने भी किया नाइनटी टू आ रहा था ना खुशबू का यस भी देखा ध्यान से आप लोग भी इसको ट्राई करो देखते हैं अभी तक अभी आ जाएगा चल रहा है अभी एग्जीक्यूशन का आ जाएगा मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा चल रहा है अभी यहीं पर टकरा है यहीं पर चल रहा है अभी ये एल्गोर एरर स्टेटमेंट ले रहा है स्टेटमेंट के बाद ये यहाँ पर आएगा रिपीट इक्वल टू थ्री लो जी कितना टाइम लिया राइट तो अगर मैं पिछले एग्जीक्यूशन एक सौ दो अराउंड एक सौ पांच सेकंड लिया था ये पिचपन लिया तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ये हाफ रहा आधा समय लिया सिस्टम पे पिचहत्तर लिया था मिनिमम अब चालीस लिया राइट बबल सॉर्ट सेवेंटी फाइव लिया था ओके okay? तो मैं एक काम करता हूँ एक एक्सेल शीट बना के मैं आपको उसी में आपको बना के दिखाया था एक्चुअल में हमने अब तक क्या क्या किया उसको मैं आपको बताया था ओके okay? राइट right. तो यहाँ पर मैं एक वो देता हूं कि भाई मुझे एक तो देखना है कि भाई प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पे हमने किया और कितना टाइम लिया हमने राइट और फिर मैंने और मैंने कहा कि भाई कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसको भी देखा हमने एल्गो राइट तो एल्गो अब इसको मैं एक काम करता हूं इंसर्ट कर देता हूं आगे राइट यहां पर हमने इसका कर लेते हैं हमने दो एल्गो का देखा तीसरी ऐसे, ऐसे, ऐसे बना कर रख लेता हूं इसको मैं ऑल बॉर्डर्स राइट और इसको मैंने कर दिया रैप टेक्स्ट भी कर दिया इसको भी मैंने कुछ ऐसे ही कर दिया रैप टेक्स्ट कर दिया सो so, पहले एल्गो और हमारी कौन सी थी बबल शॉर्ट राइट तो पहले हमने बबल सॉर्ट को हमने किस पर रन किया आइडियली पे रन किया था तो आइडियल पे अराउंड मिनिमम टाइम कितना आया था 75 सेकंड्स का आया था राइट 75 सेकंड्स का आया था टाइम और उसी एल्गोरिथम को हमने फिर हम रन किया हमने गूगल को लैब पे किया था और कितना आया था अराउंड वो टाइम कितना आया था देख लेते हैं शायद इस पे एग्जीक्यूशन का लिखा हुआ अभी तक 104 के करीब तो 104.76 आया था सौ तो 105 मांग के रख लेते हैं जीरो फाइव राइट फिर हमने अभी ट्राई किया इंसर्शन शॉर्ट आगे उसको आइडियली पे और गूगल कोलैब पे देखने की कोशिश की हमने और वहां टाइम कितना है हमारा आइडियली पे हमने देखा तो 40 सेकेंड आ रहा है और को पे देखा तो कितना आ रहा है पचपन सेकेंड राइटा क्लियर बात यह राइट तो ये हमारी बात हो गई देखो यहां टाइम ले रहा था ये पचहत्तर ले रहे यहां चालीस लिया इनसे ने आईडियली पे ऑलमोस्ट हाफ और इसने तो करीब करीब हाफ इसने भी कर दिया गूगल को लैब का भी कम वक्त जाहिर किया ठीक है तो इस ये फर्क हो गया देखो आपको दिख रहा है दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लियर अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो मैं एक काम करता हूं अब ये मैंने किया है इसको मैं आ, ऐसे रख लेता हूं राइट right, इतना कर लिया और इसको भी मैं अपने पे यहीं यहीं पर पर ले लेता हूं, यहीं पर कर लेता कर और इसको उठा के मैं ऐसे रख लेता हूँ बाकी नेक्स्ट होगा वो इसके ऐड करते जाएंगे और साथ साथ ही मैं जो एल्गोरिथम है उसको भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका एल्गोरिथम का भी सिर्फ मुझे एल्गोरिथम ही चाहिए तो मैं उसी को ही रखता हूं राइट बच्चों तो ये सिर्फ इंसर्ट कर रहा है ये बबल अपनी कर रहा तो ये बबल शॉर्ट से थोड़ा फास्ट है ये ऑलमोस्ट हाफ टाइम ले रहा है ये ऑलमोस्ट हाफ ये देखिए सेशन शॉर्ट फॉर यू हमने टेबल बनाई थी राइट right. ये पूरी एज अ पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर दूंगा राइट 56 सेकंड्स लिया हाँ, तो पिछली बार से कम वक्त लिया है आई थिंक आपको समय 92 लिया गया था Yes सर हां तो ऑलमोस्ट हाफ मतलब वेरी क्लोज काफी क्लोज है हाफ टाइम ले रहा है ये लेकिन फिर भी ये 56 सेकंड ज्यादा है मेरे सा, अगर हम समझे कि ये काफी समय ले रहा है राइट right? तो और भी हमारे पास एल्गोरिथम से उसको भी हम चेक कर सकते हैं राइट right? तो अब इसके हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये क्या फायदा हमें दे रही है एग्जैक्टली exactly? जिससे इतना फर्क पड़ गया राइट right? तो हम बात करें मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ so और वीकनेसेस का हो या मेरिट्स और डीमेरिट्स का हो दोनों की हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में पहली बात सॉर्ट इट इज दिस सॉर्ट दिस अप्रोच या दिस एल्गो इज वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड ये सिंपल ही है तो ऑब्वियसली हम किसको चूज करेंगे जो सिंपल हो समझने और इंप्लीमेंट करने में दोनों ही सिंपल समझने में और आसान है इंप्लीमेंट करने में आसान है बबल इंसर्शन ये फास्ट है उससे हम इसी को ही लेंगे राइट right? है ना पहली बात इट इज मोर एफिशियंट एफिशिएंट है इवन जबकि इवन इफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी सेम क्या थी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओएन स्क्वेयर है इसकी भी क्योंकि इसमें तो दो लूप लग रहे हैं बट यहां पे फर्क क्या हो रहा है एक आगे बढ़ रहा है दूसरा पीछे आ रहा है राइट ओव एन एक एन जो मेरा है वो आगे बढ़ रहा है एन टाइम्स आ रहा है दूसरा एन कम हो रहा है तो उससे मेरा काफी फर्क पड़ गया राइट right? तो इसी तरीके से हमारे पास आ सकता है इट इज मोर एफिशिएंट इवन इफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी सेम ठीक है और इससे भी ज्यादा पावरफुल हमारी एल्गोरिथम्स होती जैसे हमारे, uh, है जैसे हमारी क्विक सॉर्ट है राइट फिर हमारे पास है मर्ज सॉर्ट ओके okay. ठीक है तो ये मर्ज शॉर्ट भी हो गया आपका इवन कुछ क्विक शॉर्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंसर्शन शॉर्ट का इस्तेमाल करती हैं कब करती हैं क्विक शॉर्ट इन्वॉल्व करती है इंसर्शन शॉर्ट को व्हेन द लिस्ट इज स्मॉल लेकिन जब लिस्ट बढ़ जाती है मेरी कई ज्यादा बड़ा एन जो मेरा काफी लार्ज हो जाता है तो उस केस में मेरी ज्यादा बढ़िया इंप्लीमेंटेशन होती है काफी पावरफुल टूल है काफी पावरफुल शॉर्टिंग टूल है ऐसी सॉर्ट का भी वही हाल है हमारा ठीक तो हम है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इंसर्शन शॉर्ट काफी समय ले रही है हम ये कह सकते इंसर्शन शॉर्ट इज Not practical for large एरेज ठीक है काफी बड़ी एरेज के लिए भी ये दिक्कत हो सकता है अब आप ये दस हजार आइटम आपको एक लाख कर दीजिए दस लाख कर दीजिए एक करोड़ कर दीजिए तब देखिए कितना फर्क पड़ेगा तब तब काफी ज्यादा अंतर हो जाएगा बबल सॉर्ट बहुत समय ले लेगा 200 सौ सेकंड तक ले लेगा वो राइट right. 200 सौ सेकेंड का मतलब ये हो गया कि तीन मिनट से ज्यादा का समय लेगा एक एक लाख की आइटम्स या दस, दस लाख की आइटम्स को सॉर्ट करने के लिए ठीक है जाते बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी अब दोनों गौरतम देख ली सॉर्ट और बबल सॉर्ट राइट कोई दिक्कत किसी को और कोई किसी का रन हुआ तो बता सकता है ओके okay. होल्ड बच्चे राइट right, बच्चों तो बात समझ में आ गई होगी अब अच्छे से हमने दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉंप, भी निकाल लिया उसको नोट डाउन भी कर लिया उसको हमने टेबलेट भी कर लिया क्लियर हमने दोनों में करके देख भी लिया उसको अब इसको मैं अलग तरीके से बना सकता हूं मैं अगर मैं एक्सेल पे जाऊं वापस उसको तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं अभी एक ने भेजा भी है राइट अभी मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है खुशबू नहीं भेजा है राइट छप्पन सेकेंड ले रहा है राइट hmm. तो इसको मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ इसको मैं एक इंसर्ट और बीच में कर दू पे नहीं यहाँ पे इंसर्ट कर दें और यहाँ पे मैं आईडियली और गूगल को लैब कर दू राइट right, और यहाँ पर मैं इसको हटा के इसको मर्ज कर दू प्लेटफॉर्म टाइम तो यहाँ पे मेरे पास पे जो टाइम हो रहा है यहाँ पर मेरा आ जाएगा 75 सेकेंड यहाँ आ जाएगा मेरा 105 सेकंड सेकेंड ये हट जाएगा सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा मेरा 55 लाइट गई तीसरी तीसरी बार लाइट गई है ओके इसको अभी हम यहां से डिलीट कर सकते हैं राइट अब हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे मर्ज शॉट को मर्ज शॉट देखेंगे फिर इसी को हम मैं यहां पर मैं कॉपी करना चाह रहा हूं और यहां पेस्ट करना चाह रहा हूं यहां आप देखेंगे शायद क्विक शॉर्ट भी है मेरे पास लिखी हुई यस yes, क्विक शॉर्ट भी देखेंगे ओके okay? तो दोनों की भी हम टेस्टिंग करके देखेंगे तो हमारे चार एल्गोरिथम तैयार हो जाएंगे आपके ओके okay? सही तरीका ना बच्चे हम इसको हम देख रहे हैं अच्छे से कोई दिक्कत अभी तक हाँ? Any more problems, कुछ है आउट इसको मैं तो कल भी कर सकते हैं राइट कल हम करेंगे कल सुबह ही मैं कोशिश करूंगा कल आपका मॉर्निंग में ही कल मंगलवार के मंगल में सुबह आप लोगों के साथ मुखातिब होकर हम मंगल मंगल हो जाएं है ना बल्ले बल्ले हो जाए हम लोगों की राइट कल हम इसको मत शॉर्ट को कल हम देखेंगे ठीक है तो मैं अगेन मैं लिंक शेयर कर देता हूँ दोबारा से ताकि उसमें आप अलग से और अटेंडेंस अपनी मार्क कर सके कहा मेरे फॉर्म्स तो गायब हो जाता है यार ओके okay, सो so ये तो मैं कर लूंगा अब इसको मैं रिकॉर्डिंग को कर देता हूँ स्टॉप